आगरा के मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में हाल ही में लूट करने वाले वाले हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ लाला के साथी प्रभात शर्मा ने थाना कमला नगर में सरेंडर कर दिया। सात आरोपियों के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद से उसे डर था कि वह भी मारा जाएगा। पुलिस पूछताछ में प्रभात ने नोएडा और आगरा की गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांचेस में रेकी बात कबूल की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है। आज ये कमलानगर थाने में दोपहर में आया था और मैं एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, उनकी पूरी टीम को और इंस्पेक्टर कमलानगर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना दबाव बनाया हुआ है। क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जा रही है, कोर्ट में उनके मुकदमों की जानकारी, उनके वकील, जमानतदार, पैरोकार, हर चीज़ पर हमारी नज़र है। इस दबाव का असर है कि ये आज दोपहर को सरेंडर कर गया है। बहुत सर, किसका नाम क्या है सर जी? इसका पूरा नाम है प्रभात शर्मा और ये रसीदपुर कनेटा फिरोजाबाद का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इसने डायरेक्ट अपना कोई पिस्टल का इन्वॉल्वमेंट या इसको शेयर न मिलने की बात बताई है, लेकिन ये यहाँ किराए से रह रहा है। पिछले चार महीने से ये एक एड्रेस पे और उसके पहले चार पाँच महीने एक दूसरे एड्रेस पे रहा है, ये लोहा मंडी में और खंदौली में। इसके बाद जो इसने चीज़ें बताई कि ये बचपन में फिरोजाबाद से पढ़ा लिखा है, निर्दोष जो इस एनकाउंटर में डेथ हुई है जिसकी, उसका ये बचपन का दोस्त है और उसके बाद ये राजस्थान एक कोर्स करने गया था सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वहाँ ये मनीष के छोटे भाई सतीश पांडे से इसकी दोस्ती हुई जिसके कारण फिर ये मनीष पांडे के संपर्क में आया। इसके बाद इससे मनीष से और इससे निर्दोष से मुलाकात होती रही। मनीष पांडे के थ्रू फिर ये एक बार नोएडा जब गया था, बुलाया गया था, वहाँ ये नरेंद्र लाला और जो बाकी लोग थे उनके साथ भी उनसे मिला। इन लोगों ने सेक्टर 34 नोएडा में मणापुरम गोल्ड की ही फाइनेंस कंपनी की एक शाखा पर इन लोगों ने रैकी की और उस दिन भी ये घटना करने के पूरे प्लान में थे। इसके बाद इस घटना के समय में ये मनीष पांडे था, खुद था, नरेंद्र लाला, रेणु पंडित उर्फ अग्निश मिश्रा, संतोष यादव उर्फ चाचा और ध्रुव यादव उर्फ आशु, इन लोगों ने वहाँ रैकी की थी। इनके पास पिस्टल्स और बैग भी थे। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के बाद ये घटना नहीं कर पाए। इसने इंट्रोगेशन में बताया कि पिछले ढाई तीन महीने में मनीष पांडे और नरेंद्र लाला का मुख्य जो काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं मणापुरम या मुथूट फाइनेंस के ही गोल्ड लोन इंश्योरेंस एजेंसीज के उनके ब्रांच में ही घटना करनी है, ताकि बड़ी मात्रा में कैश ज्वेलरी। बता दें, बीती 17 जुलाई को मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की कमला नगर ब्रांच में दिन दहाड़े 8.5 करोड़ की लूट हुई थी, जिसमें सोने के जेवरात और 6 लाख कैश था। बड़ी वारदात को 7 बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसमें 2 बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष कुमार को एतमादपुर में मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जबकि बाकी बदमाश फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस की 10 टीम गैंग के सरगना 1 लाख के इनामी नरेंद्र उर्फ लाला और उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। न्यूज़ डेस्क।